हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिक कुकिंग चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में क्रिस्पी पोटैटो बॉल बनाकर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने दो आलू लिए हैं, इनको हम ग्रेट कर लेंगे। तो दोनों आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है। इसमें डाल दीजिए पानी। हमें आलू में से स्टार्च को निकाल लेना है। तो आलू में से पूरी तरह से स्टार्च को निकाल लीजिए। आलू को निचोड़ लीजिए ताकि पानी निकल जाए। दोस्तों, मेरा इंस्टाग्राम पेज भी, वहाँ जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरे आईडी है मैजिक मीनाक्षी। फिर से हमें एक बार इसे धो लेना है। जब तक कि स्टार्च आलू में से पूरी तरह से निकल नहीं जाता, आपको इसे वॉश करना है। आलू में से पानी को पूरी तरह से निकाल लें। अब इसमें एक चम्मच नमक डालें। इसे मिला लीजिए। इसे 15 मिनट के लिए साइड में रख दीजिए। तो 15 मिनट हो चुके हैं। मैं इस आलू में से पानी को फिर से निकाल रही हूँ। दोस्तों, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि खाने में बहुत टेस्टी लगती है और क्रिस्पी भी लगती है। अब इसमें डाल दीजिए 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च। एक चम्मच चिली फ्लेक्स। स्वादानुसार नमक। और इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। तो हमें ग्रेटेड पोटैटो के बॉल बनाने हैं। तो जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, आपको थोड़ा सा हिस्सा लेना है और इसे बॉल की शेप देनी है। देखिए, इस तरह से आपको पोटैटो के बॉल्स बना लेने हैं। मैंने सभी पोटैटो बॉल तैयार किए हैं। तो चलिए अब हम इसे फ्राई करते हैं। तेल को मैंने मीडियम हीट पर गरम कर लिया है। इसमें डाल दीजिए पोटैटो बॉल्स। हमें इन्हें 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। इसे पलट दीजिए। अब हमें इन्हें 7 से 8 मिनट तक लो फ्लेम पर फ्राई करना है। तो क्रिस्पी पोटैटो बॉल तैयार है। इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल लीजिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ पोटैटो बॉल क्रिस्पी बने हैं या नहीं।